Hello everyone, how are you? Hope you are all fine. So I am here with you with a new and a continue video for chapter number 8, that is how do organisms reproduce. So today we'll start a new topic, that is male reproductive system, and this is the part 4 video, as you all know. So today we'll discuss about male reproductive system, which takes part for fertilization process in human beings. So what are the main parts for the same, we'll discuss in today's video. So let's begin, students. As you all know, you have seen the diagram in your textbook. Male reproductive system has many parts in it, right? It consists of ureter, it consists of prostate glands, it consists of urinary bladder, it consists of penis, that is muscular gland, it consists of a common tube, that is known as urethra, and it also consists vas deferens, and there are a pair of testes present in our body, and testes are stored in a scrotum. Okay, so this is the figure that you have to draw in your exams also. So a bit complex figure, but you have to remember it very well. Now let's start with a testes. So what is testes and what is the exact figure of it? So as I told you, there are two testes or a pair of testes in a male body. So you can see there is a pair of testes which lie in a skin pouch. Ek pouch ke andar hota hai testes, usko bolte hai scrotum. To bahar ke portion ko scrotum bol sakte hai hum, jo pouch hai, aur do testes uske andar hoti hai, right? Scrotum is suspended outside the body. स्क्रोटम है वो हमारे बॉडी से लिंक्ड नहीं होता है, बाहर होता है स्क्रोटम, ठीक है, बिलो द एब्डोमिनल कैविटी. तो चेस्ट पार्ट के नीचे, जो एब्डोमिनल कैविटी के नीचे स्क्रोटम का लोकेशन होता है. दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस बिलो द बॉडी टेम्परेचर. तो इसके कारण क्या फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स, कि इसके कारण जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से बहुत ही कम होने वाला है. द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस विल बी लेस देन द बॉडी टेम्परेचर. ओके, तो ऐसा करने की ज़रूरत क्या है? बिकॉज इफ सच सिचुएशन इज नॉट प्रिवेलिंग ओवर हेयर, तो स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होगा. इसका प्रोडक्शन नहीं होगा, स्पर्म का. इसलिए टेम्परेचर कम होना बहुत ही ज़रूरी है. इसीलिए टेस्टिस के अंदर बॉडी टेम्परेचर से टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, समझ में आ गया. सो इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम दैट वाई द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस इज लेस देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. सो आंसर इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म द फेवरेबल कंडीशन इज लो टेम्परेचर, एंड एज अ स्क्रोटम लाइज आउटसाइड द बॉडी बिलो द एब्डोमिनल कैविटी, इट इज फेवरेबल कंडीशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म. टेस्टिस प्राइमरली सर्व्स द फंक्शन ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन. टेस्टिस है वो स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करता है. और स्पर्म है वो दिखने में कैसा है, ये यू कैन सी. एक्चुअली ये फ्लूइड के अंदर स्पर्म होता है, सीमेन के अंदर स्पर्म होता है, ठीक है. तो ये अगर आप सीमेन गिनते हो तो सीमेन के अंदर स्पर्म होता है. स्पर्म कैसा होता है वो आपको मैंने यहाँ पे फिगर में दिखाया, जो आपने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी स्टडी कर लिया है. स्पर्म्स बीइंग इन अ फ्लूइड मेक देयर ट्रांसपोर्ट इजियर, एंड दिस फ्लूइड ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन. ये फ्लूइड है वही ये स्पर्म को फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है. ये स्पर्म्स हैं, आप देखो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्पर्म ऑब्जर्व हुआ है. उसमें से एक स्पर्म ले लो, उसका ये जूम किया हुआ वर्जन है ये वाला, तो आपके एग्जैक्ट राइट साइड में है, ठीक है. तो स्पर्म वैसे तो क्या है, वो मेल गैमेट सेल है. मेल गैमेट सेल है जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए काम आता है, ठीक है. ये स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, जो भी फ्लूइड आसपास है ये वाला फ्लूइड, ये, ठीक है. द स्पर्म आर टाइनी बॉडी दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल एंड लॉन्ग टेल. ये इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, ये लॉन्ग टेल होती है जिसके कारण स्पर्म को मूवमेंट मिलता है, ठीक है. लॉन्ग टेल किसके लिए काम आता है, इट हेल्प्स टू मूव टूवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल. फीमेल जर्म सेल का नाम है ओवम, एज यू ऑल नो वेरी वेल, राइट स्टूडेंट्स. सो नाउ लेट्स मूव फर्दर. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज वास डेफरेंस. सो वास डेफरेंस इज द ट्यूब दैट विच कैरीज स्पर्म टू द सेमिनल वेसिकल. वास डेफरेंस एक ऐसी ट्यूब है जो स्पर्म को सेमिनल वेसिकल तक पहुँचाती है. देखिए स्टूडेंट्स, हम अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में इसका पाथवे समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स. सो इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्शन साइट ऑफ स्पर्म, तो प्रोडक्शन साइट किसे बोला जाता है, तो मैं यहाँ ब्लैक कलर से इंडिकेट करता हूँ तो आपको मालूम हो कि
स्पर्म का कलर ब्लैक है अभी के लिए। तो स्पर्म है वो यहाँ से जनरेट होकर ऊपर जाएगा वास डेफरेंस। तो वास डेफरेंस का काम क्या है, इट्स अ ट्यूब विच ट्रांसपोर्ट्स द स्पर्म टू सेमिनल वेसिकल। एज यू कैन सी दिस इज सेमिनल वेसिकल, ओके। सो दिस इज रिटर्न ओवर हियर स्टूडेंट्स। सो वास डिफरेंस इज अ ट्यूब विच कैरीज स्पर्म टू सेमिनल वेसिकल, ओके। वॉट इज सेमिनल वेसिकल, दिस इज अ प्लेस वेयर स्पर्म्स आर स्टोर्ड। यहाँ पे सेमिनल वेसिकल में जो भी स्पर्म नीचे से बने होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। सेमिनल वेसिकल, ये जो ब्राउन कलर के पार्ट दिख रहे हैं आपको, लीव जैसे हैं ये सेमिनल, इसके अंदर स्पर्म है वो स्टोर होते हैं। सेमिनल वेसिकल एक पाथवे है जो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करेगा पेनिस, मतलब कि जो वाला टेस्टिस वाला पोर्शन है वहाँ से सेमिनल वेसिकल तक, ठीक है। सिक्रेशंस फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड स्टूडेंट्स, वो फिर से प्रोटीन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिशन, ये सब प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जिसके कारण एक सीमेन बार आएगा, ठीक है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बीच रास्ते में क्या करेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड एक जंक्शन जैसा है जो ये आपको दिख रहा है एग्जैक्टली, ये सर्कुलर पोर्शन में है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर मैं उसको दूसरे कलर से दिखाऊं तो आपको अच्छे से मालूम होगा स्टूडेंट्स। अगर मैं प्रोस्टेट ग्लैंड को ब्लू कलर से हाईलाइट करता हूँ, नाउ यू कैन इजीली सी द प्रोस्टेट ग्लैंड। सो ईच एंड एवरी स्पर्म दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द टेस्टिस पासिस फ्रॉम वास डिफरेंस टू सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल स्टोर्स द स्पर्म, देन इट मूव्स फर्दर, देन प्रोस्टेट ग्लैंड्स हेल्प टू एड proteins, mineral, nutrition, makes sperm more nutritious and then it forms a semen, okay. Now I think you all are getting very well. So ये है prostate gland students, ठीक है। तो जो भी vas deferens से होते हुए sperm आएगा यहाँ से seminal vesicle में, वो सभी पहले prostate gland में जाएगा, उसके बाद urethra से वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आगे जाते हैं, as you can see over here, what is penis, the last organ that we will be studying right now, that is muscular organ. Penis क्या है, एक muscular organ है, ठीक है, which serves genital urinary function. Genital मतलब इसमें genes भी होंगे और urine भी होगा. Urine is a liquid waste that is excreted out from our body. तो penis एक ऐसा structure है जिसके अंदर एक tube होती है जो genes और urine दोनों को बाहर फेंकता है, ठीक है। यूरेथ्रा वर्क्स एज ए कॉमन पैसेज। यूरेथ्रा आप देख सकते हो कॉमन पैसेज है, ये वाली ट्यूब है वो यूरेथ्रा है, ठीक है। अगर आपको देखना है तो मैं इसको रेड कलर से यहाँ पे हाईलाइट करूँगा, ये रहा यूरेथ्रा का पाथ पूरा, ये है। इट्स अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एज वेल एज स्पर्म। ये कॉमन पैसेज है स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में, जहाँ से यूरिन और स्पर्म दोनों पास होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है स्टूडेंट्स, वो ख़त्म होता है। होपफुली आपको पूरा सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।